हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अचीवमेंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के वो नोट्स जो एक साथ बंधे हुए हैं। आपसे पहले हमने कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ा है जो कि पॉइंट्स में थे, और आज हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीके से कि जो मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लेकिन ये उस चीज़ को बांधने में जो कि जगह जगह बिखरा हुआ है सिंधु सभ्यता का मैटर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिंधु सभ्यता, जिसका टाइम यहाँ पर हमने दे रखा है 2700 से 1700 ईसा पूर्व, कहीं पर ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व भी माना जाता है, लेकिन मोस्ट साइंटिफिक जो टाइम है वो 2700 से 1700 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है, और इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगर बात की जाए कि ये पूरे कितने दायरे में फैली हुई है, तो 1400 किलोमीटर के दायरे में सिंधु सभ्यता फैली हुई है। सिंधु सभ्यता को इसके अलावा कांस्य कालीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांस्य धातु की खोज सिंधु सभ्यता में हुई थी। इसके अलावा अर्ध ऐतिहासिक काल भी सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, जिसके बारे में इससे पहले हमने बात की थी। ऐतिहासिक, जिसके लिखित साक्ष्य होते हैं, और अर्ध ऐतिहासिक, जिसके कुछ लिखित साक्ष्य होते हैं और कुछ का अनुमान लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे नंबर एक क्षेत्र की, जिसका नाम है हड़प्पा। और सबसे पहले हम हड़प्पा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जिस क्षेत्र का उत्खनन सबसे पहले हुआ था वो हड़प्पा राज्य था, और ये अगर बात करें वर्तमान में कहाँ पर है, तो पश्चिमी पाकिस्तान रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थान है, जिसको आज के डेट में शाहीवाल बोल दिया जाता है, और ये स्थान पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी में पड़ता है। इसका उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, और यहाँ से उत्खनन में हमें दो कबंध मूर्तियाँ मिली हैं, एक जैन तीर्थंकर और दूसरा नर्तक मूर्ति। इसकी विशेषताओं में अगर हम बात कर लें, तो कुछ और चीज़ें जो हमें यहाँ से मिली हैं, तो तांबे की मानव आकृति भी हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई है, और हड़प्पा के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है, जिस कब्रिस्तान को R-37 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हड़प्पा क्षेत्र से एक ईंट का भट्टा भी मिला है। दूसरा स्थान है मोहनजोदड़ो, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल के हिसाब से। 130 किलोमीटर का दायरा 1400 किलोमीटर में से सिर्फ मोहनजोदड़ो का है। ये भी पश्चिम पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में है और सिंधु नदी के तट पर है। अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी का अनुमान लगाते हैं, तो वो 483 मील या फिर 640 किलोमीटर होती है। मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र है, उसका उत्खनन कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था, और यहाँ से हमें दो आवक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक पुरुष सर योगी की मूर्ति और कांस्य की युवा मूर्ति, जो कि मधुशिष्ट शैली में बनी हुई है, जिसको नृत्यांगना या नृत्यरत महिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कांस्य की दो पशु मूर्तियाँ मिली हैं, दो चांदी या तांबे की तलवार भी मोहनजोदड़ो से मिली है, तांबे की भेड़ व मेंढा की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है, विशाल स्नानागार जिसकी नाप 39x23x5 है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ी इमारत, जिसको अन्नागार बोला गया है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। सभा भवन, मार्केट हॉल, जिसके अंदर 20 स्तंभ बताए गए हैं, कहा गया है कि वो 20 स्तंभों पर खड़ी इमारत है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। अगर बात करते हैं कि हड़प्पा के कौन से नगर में सबसे ज़्यादा शहरी विशेषता थी, वो मोहनजोदड़ो थी। ला कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का जो नक्शा वर्तमान में बना रखा है, जिस तरह से चंडीगढ़ शहर आज की डेट में बसा हुआ है, वो मोहनजोदड़ो के आधार पर ही है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, तो वो है चमुंदड़ो।
पाकिस्तान में पड़ता है ये आज की डेट में, और इसका उत्खनन कार्य 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मनके या आभूषण बनाने का कारखाना चाहुंद्रों से मिला था। शिल्पियों की एक पूरी बस्ती होने के संकेत चाहुंद्रों से मिले थे। आभूषण व मनके चाहुंद्रों से प्राप्त हुई हैं। दो कांस्य की गाड़ियाँ चाहुंद्रों से मिली हैं। पीतल की बत्तख चाहुंद्रों से मिली है और आटा पीसने की चक्की भी चाहुंद्रों से प्राप्त हुई है। चौथा केंद्र है दोस्तों लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है और कहा जाता है कि ये चारों तरफ से घिरा हुआ एक नगर है। यह अब अगर हम आज की डेट में बात करते हैं तो अहमदाबाद जिले के साबरमती व भोगावा नदी के संगम पर है। कहाँ पर है अहमदाबाद? गुजरात में। तो गुजरात का जिला अहमदाबाद और नदी है भोगावा या साबरमती, और इसका उत्खनन कार्य किया था 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव ने। उत्खनन से हमें क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर की बनी चाकू, नंबर दो पर मर्दवान पर धूर्त लोमड़ी का चित्र, शतरंज का बोर्ड और हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से मिला है। इसके अलावा सर्वाधिक लिपिबद्ध मुद्रा गोदी या व्यापारिक केंद्र के अवशेष, गोदी से मतलब है बंदरगाह पानी वाले एरिया में, तांबे का हंस, ये हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल के आसपास और अन्य जो सैंथल क्षेत्र हैं वो है धोलावीरा और राखीगढ़ी, ये दोनों ही गुजरात में पड़ते हैं। धोलावीरा से हमें विशाल स्टेडियम मिला है और गेहूं, मक्का, बाजरे की बाल भी हमें धोलावीरा से मिली है। और अगर बात की जाए धोलावीरा की तो ये विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती है। देखो नगर या सिटी तो मोहनजोदड़ो है, और अगर बस्ती की बात की जाती है तो वो धोलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगा या कालीबंगन एक ही बात है, ये राजस्थान से मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। दोस्तों ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर है, और इसकी खोज या उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में ए घोष या अमरानंद घोष जी ने किया था। यहाँ से हमें, जैसे कि नाम से ही पता चलता है काली चूड़ियाँ, तो यहाँ से हमें चूड़ियाँ, खिलौने, गोल कुआँ और तांबे के बहुत सारे औजार प्राप्त हुए हैं। हल से जुते हुए खेत प्राप्त होने के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से कोई भी मोहर हमें प्राप्त नहीं हुई है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारी ही हैं, लेकिन सब जगह से हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन कालीबंगा से हमें कोई मोहर प्राप्त नहीं हुई है। मातृ देवी की कोई मूर्ति भी हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ पीलीबंगन भी एक सैंथल क्षेत्र है जो हमें राजस्थान से मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट 6 रोपड़ पंजाब की। तो पंजाब की सतलुज नदी के किनारे यह एरिया है जो सिंधु घाटी का केंद्र रहा है कभी, और इसका उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी से लेकर 1956 के बीच यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। यहाँ से हमें चार्ट फलक मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, धूसर यानी कि काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और कब्रिस्तान भी हमें रोपड़ से प्राप्त हुआ है। पॉइंट नंबर 7 है आलमगीर। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का एक केंद्र है जो मेरठ में पड़ता है, और यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर देखा जाता है। दोस्तों इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। आठवां पॉइंट है मीता, जो कि पंजाब का एरिया है और ये हरियाणा के भिवानी जिले में है, और इसकी खोज पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है बनावली हरियाणा। दोस्तों हरियाणा का क्षेत्र है जो हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। 1973 ईस्वी में आर.एस. बिस्ट ने इस एरिया की खोज की थी, और पकाई मिट्टी से बना हल यहाँ से प्राप्त हुआ था, जिसको बोल देते हैं कि हल के खिलौने। दोस्तों 10वां क्षेत्र है मांडी, उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर, झिंझाना।
दोस्तों यहाँ से हमें सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मोहरे जो हैं वो इंडो गिलियो पद्धति में बनी होती थी और उनका साइज होता था 2.5 बाय 2.5। अरबी लोग सिंधु को हिंद कहते थे, इस कारण से इसको हिंद कहा जाने लगा या हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मेसोपोटामिया दजला फरात की नदियों के बीच जो घाटी है वहाँ पर बसी हुई एक सभ्यता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं छोटा कर सकती थी या मैनेज कर सकती थी या सरल बना सकती थी उसका मैंने पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी होगी। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आगे इसी तरह के कुछ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।